श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक और हमारे साथ इस समय हैं काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान ज्योतिषी सांगवेद विद्यालय से जुड़े पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी। आपको याद होगा श्री राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन हुआ उसके मुहूर्त के लिए आपसे ही निवेदन किया गया था और श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने ही वो मुहूर्त दिया था जो सर्वमान्य है, लेकिन किसी किसी ने उस मुहूर्त पर आक्षेप किया था, लेकिन जो प्रमुख विद्वान रहे हैं उन्होंने उसका समर्थन किया। हमारे साथ इस समय श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी हैं, आइए उनका पक्ष जानते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर राम मंदिर निर्माण के लिए जो न्यास गठित था उसी के पदाधिकारी स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने पत्र द्वारा यहाँ पूछा था शीघ्रातिशीघ्र भूमि पूजन के लिए मुहूर्त। वह डेढ़ मास में सब छान पीन करने के बाद 5 अगस्त को ही उत्तम मुहूर्त मिला, वह दिया गया। उस मुहूर्त में कई लोगों के आक्षेप थे, कुछ लोगों का कहना था कि हरिशयन में होता नहीं, लेकिन ज्योतिष ग्रंथ में श्रावण मास आदि में भी मुहूर्त दिए हैं, इसका तात्पर्य है कि आवश्यक होने पर हरिशयन में भी भूमि पूजन होता है। उसके बाद प्रश्न था कि भाद्रपद मास है तो कर्क में सूर्य के रहते समय भाद्रपद मास में ये कैसे होगा। उत्तर भारत में पूर्णिमांत मास होता है, इसलिए रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण पूर्ण हो गया फिर भाद्रपद आ गया तो भाद्रपद का निषेध है कर्क में सूर्य के रहते समय, इसको लेकर ये प्रश्न था। महाराजा विक्रमादित्य जी के राज्यसभा में जो 9 विशिष्ट विद्वान थे जिनमें वराह मिहिराचार्य आदि भी थे, उन्हीं के अंतर्गत कालिदास जी भी थे, उनके द्वारा रचित ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ में ये बताया है कि घर बनाने के विषय में मास का निर्णय कैसे करना। तो कहा गंगा और यमुना के बीच के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पूर्णिमांत मास लेना और गंगा यमुना के बीच के भाग को छोड़ के बाकी सब जगह अमांत मास लेना। तो अयोध्या ये गंगा और यमुना के बीच में नहीं है, अतः वहाँ पर अमांत श्रावण के अनुसार ही गृह निर्माण के लिए मुहूर्त लिया जाएगा। तदनुसार 5 अगस्त को अमांत श्रावण होने से और अयोध्या के गंगा यमुना मध्यवर्ती क्षेत्रता न होने से वह मुहूर्त दिया गया। कुछ लोगों का ऐसा भ्रम था कि अभिजीत समय में मुहूर्त दिया गया है, तो अभिजीत बुधवार को निषिद्ध है, तो हम लोगों ने अभिजीत का दिया ही नहीं था। उसके बाद लग्न का प्रश्न था, तो लग्न गुणवत्तर लग्न दिया जाता है ऐसा नियम है, तो सामान्य नियमानुसार गृह निर्माण में स्थिर लग्न देते हैं, स्थिर लग्न के न मिलने पर द्विस्वभाव लग्न देते हैं, लेकिन इन दोनों लग्नों में उस दिन गुणवत्ता नहीं दिखी, इसलिए चर लग्न के होने पर भी तुला लग्न को लिया गया। जो ग्रह बनते हैं वो शाश्वत सुख देने वाले होते हैं ऐसा ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ आदि में उल्लेख है, तो तुला लग्न भी चर है, तुला लग्न चर लिया गया। चर लग्न में लग्न की गुणवत्ता को देख करके मुहूर्त दिया गया। लग्न की गुणवत्ता क्या है, तो लग्न से तीसरे स्थान में गुरु शनि और केतु है प्राचीन पंचांगानुसार, लग्न से 5वें स्थान में चंद्र है, लग्न से 6ठे स्थान में मंगल है, लग्न से 9वें स्थान में शुक्र और राहु हैं, लग्न से 10वें स्थान में सूर्य और बुध हैं, तो अष्टम और द्वादश भाव शुद्ध मिला, 6ठ में मंगल गृहित है, तदनुसार मुहूर्त दिया गया। अब चर लग्न में मुहूर्त दिया गया है तो वो स्थिर होना चाहिए, जो मंदिर बनेगा उसके लिए वृष नवांश में दिया गया। कभी भी चर लग्न हो और उसमें चर नवांश हो ऐसा मुहूर्त नहीं होता, चर लग्न के लेने पर नवांश स्थिर होना चाहिए और शुभ नवांश होना चाहिए, तो वृष नवांश दिया गया। इसके बाद प्रश्न था कि दक्षिण भारत में देखते हैं राहु काल, तो उस समय राहु काल है तो कैसे मुहूर्त दिया गया। उत्तर भारत में राहु काल का तो विचार नहीं है, लेकिन अर्धप्रहर आदि का वर्जन है, तो अर्धप्रहर दोष उसमें है। होते हुए भी ये कहा गया है कि बलवान
चंद्रमा के द्वारा या शुक्र की दृष्टि लग्न पर होने पर अर्ध प्रहर आदि का दोष निकल जाता है। शुक्ल पक्ष के बीतने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा को बलवान मानते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया का ही चंद्र होने से चंद्र बलवान है। पुनः वह चंद्र लग्न से पांचवें स्थान में है यानी त्रिकोण में, अतः भी बलवान है। नवम स्थान में शुक्र होने से उसकी लग्न पर दृष्टि है, इसलिए अर्ध प्रहर का दोष भी चलाता है। जो लोग राहुकाल मानते हैं उनके मत में भी उसका भी दोष निकल जाता है। तदनुसार ये दिया गया। इसके अतिरिक्त भूषयन, पाताल चंद्र निवास आदि कई प्रश्न हैं। इन सब का ही उत्तर एक ही है, उक्तानुक्ताश्च ये दोषाः तान निहन्ति बली गुरुः केन्द्र त्रिकोणगो वापी शुक्रो विष्णुर्यथा सुरान। ये ज्योतिर्निबंध का वाक्य है। इसमें कहा है कि हमने जो जो दोष कहे हैं वे दोष, तथा जो दोष नहीं कहे उन सभी दोषों का निवारण केंद्र में गुरु के होने पर, अथवा त्रिकोण में गुरु के होने पर, अथवा केंद्र में शुक्र के होने पर, अथवा त्रिकोण में शुक्र के होने पर नाश हो जाता है। तो इस तुला लग्न के मुहूर्त में त्रिकोण यानी नवम स्थान में शुक्र के होने से सारे दोष चले गए। इस मुहूर्त में बाण पंचक भी नहीं है, अर्थात रोग बाण नहीं है, मृत्यु बाण नहीं है, राजबाण नहीं है, चोरबाण नहीं है और अग्निबाण नहीं है। अतएव भविष्य में जब मंदिर तैयार होगा तो उसके बाद इसका लाभ सभी भक्तों को होगा, अर्थात मंदिर के कार्यकर्ता बीमार नहीं पड़ेंगे, मंदिर में कोई बड़ी चोरी नहीं होगी, कोई भीषण हादसा नहीं होगा, राजकीय संकट नहीं आएगा, आग लगकर कभी नष्ट न होगा। यह ऐसा मुहूर्त जल्दी मिलता नहीं। इसमें लग्न होरा दृष्कांड चतुर्थांश सप्तमांश नवमांश दशमांश द्वादशांश षोडशांश विंशांश चतुर्विंशांश त्रिंशांश चत्वारिंशांश और सप्तविंशांश, ये 15 वर्ग शुभ मिले हैं। केवल एक पंचचत्वारिंशांश शुभ नहीं मिला, 15 शुभ वर्ग शीघ्र मिलते नहीं। 15 शुभ वर्ग मिलने से इस मंदिर के द्वारा उत्तरोत्तर धार्मिक कार्य होंगे, राष्ट्र के कल्याणकारी कार्य होंगे, भक्तों का क्षेम होगा। ये सब विशेषता देख करके मुहूर्त दिया गया है। यह मुहूर्त भगवान रामचंद्र जी की कृपा से दिया जा सका है। भार्गव मुहूर्तानुसार उस समय जिस समय यह मुहूर्त दिया गया था 12:44:08 से 12:44:40 के भीतर, उस समय बुधवार को मृगशीर्ष नाडी थी। भार्गव मुहूर्तानुसार उसका फल है मृगशीर्षे कर्म कृते अयत्नात् प्रासाद लाभः, अर्थात बुधवार को मृगशीर्ष नाडी में यदि कार्य करते हैं तो सहजता से प्रासाद का लाभ होता है। प्रासाद कहते हैं देवस्थान को, तो देव मंदिर सहज बन जाएगा। तदनुसार मुहूर्त दिया गया है। मुहूर्त को लेकर के जिन लोगों ने आक्षेप किया है, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का के जो आकरक ग्रंथ हैं यानी जिनमें सारे विचार आए हैं उनको बिना देखे प्रश्न रखा है, उसमें कोई तत्व नहीं है। अतएव सुदूर मिथिला के कामेश्वर विद्यालय के दो पूर्व कुलपति, उन्होंने भी इस मुहूर्त का समर्थन किया है। निश्चित रूप से बहुत ही सूक्ष्म गणना के बाद आपने ये मुहूर्त दिया। 492 साल में इतने लोगों ने बलिदान किया है इस राम मंदिर के लिए, तो जो राम मंदिर निर्माण हो वह ऐसा हो कि जब तक चंद्र सूर्य है तब तक रहे, इस बात को ध्यान में रख करके ही मुहूर्त दिया है। बहुत ही विश्लेषणात्मक आपका ये उत्तर था और जितनी भी लोगों की शंकाएं हैं उनका समाधान इस उत्तर के माध्यम से अवश्य होगा। तो श्रोताओं, हम आपको बताएं, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता
चाहे वो धर्मशास्त्र हो, न्यायशास्त्र हो, वेद हो या फिर ज्योतिष हो, उसके बहुत वरिष्ठ विद्वान श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी हमारे साथ थे। सांगवेद विद्यालय और गिरवाण वागवर्धिनी सभा से आप जुड़े हुए हैं। हम अपने श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हो और इसी तरह अपने ज्ञान और अपने अनुभव का लाभ जन जन को देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।